नमस्कार, यूपी 75 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रयागराज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अखिलेश यादव है उसके निदेशक। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की है पूरी तैयारी। बाढ़ के प्रति अलर्ट जारी करने के दिए निर्देश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं दिशा निर्देश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, कोरोना के साथ राजनीतिक संक्रमण से भी जूझ रहा है उत्तर प्रदेश। कानपुर में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर काम करते पकड़े गए 16 फर्जी कर्मचारी। औरैया पुलिस ने शादे तड़ीपार चोरों के गिरोह का किया पर्दाफाश, चोरों के कब्जे से पल्सर व टीवीएस दो बाइक के बरामद। पीड़ित पुलिस ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। रामपुर में चेकिंग के दौरान हुई गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने की फायरिंग, जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी की फायरिंग, मुठभेड़ में दो गौ तस्कर को लगी गोली। यूपी के लखीमपुर में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने खोला मोर्चा, गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन। आगरा कानपुर हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, रोडवेज बस और डीसीएम से टकराई, बस सवार चार लोगों की मौके पर हुई मौत, एक दर्जन से ज्यादा लोग हुए गंभीर घायल। बस्ती में अतिक्रमण हटवाने में चौकी इंचार्ज और ईओ भवनान की गुंडागर्दी, गरीबों की सब्जी की टोकरी को जानबूझ जबरन कूड़े के ढेर में फेंकवाए, 3 सदस्यीय टीम मामले की करेगी जांच। जालौन के एक युवक ने की आत्महत्या, सूचना पर गांव में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के एक होटल में देव व्यापार के अड्डे पर पुलिस का छापा, होटल संचालक एक युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया, संचालक के दो साथी हुए फरार। संभल जिले में पुलिस ने हाईवे पर माल से भरे कैंटर लूटने वाले गैंग के दो वारंट बदमाशों को किया गिरफ्तार, 3 बदमाश हुए मौके से फरार, बदमाशों से लाखों की कीमती सामान भी हुआ। सीतापुर में बारिश में कच्ची दीवार गिरने से हुआ बड़ा हादसा, मलबे के नीचे दबने से एक परिवार के दो लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, एक घायल हाल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर देहात के डीएम के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने खनन माफियाओं पर की बड़ी कार्यवाही, ओवरलोड और बिना रॉयल्टी के हाईवे से गुजर रहे मोरंग के 150 अधिक ट्रकों को किया सील। कोविड-19 महामारी व टीकाकरण व गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से जूम के माध्यम से किया गया संवाद। रामपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। संभल में महिला की बेरहमी से गला रेत कर हुई हत्या, मक्का के खेत में पड़ा मिला महिला का शव, महिला की इस जघन्य हत्या से फैली सनसनी। शाहजहांपुर नगर निगम की पहली बारिश ने खोली पोल, नालों की सफाई न होने के कारण रोड पर हुआ भारी जलभराव।
रायबरेली में शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी हुई हर्ष फायरिंग, युवक ने किया असलहे की ताबड़तोड़ फायरिंग, बाय फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ फायर। संभल में बिना एनओसी नहीं मिलने पर होगी कड़ी कार्यवाही, जिलाधिकारी ने खनन विभाग के आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश। सुशांत गोल्ड सिटी से वकील की पत्नी का अपहरण करने में शामिल दो अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सरगना समेत सात अन्य आरोपी की तलाश जारी। ऑफ इंस्पेक्टर ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर को मारी गोली, घायल रिटायर्ड इंस्पेक्टर को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। न्यायमूर्ति संजय यादव की इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, नियुक्ति संबंधी अधिसूचना हुई जारी। प्रशासन पर भारी पड़ा गोरखपुर का माफिया सुधीर सिंह, पत्नी का पर्चा खारिज होने के चलते निरस्त हुआ मतदान। प्रदूषण के लिए एक्शन में यूपी सरकार, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन के जरिए रखी जाएगी नजर। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए यूपी में 600 बाल रोग विशेषज्ञों की भर्ती, गृह जिले में ही मिलेगी नियुक्ति। देश में सर्वाधिक 52 लाख युवाओं को कोरोना टीका लगाने वाला यूपी बना पहला राज्य, अब तक 2.20 करोड़ लोगों का हुआ है वैक्सीनेशन। में अंतरराज्यीय स्तर पर किशोरियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो महिलाओं समेत 5 हुए गिरफ्तार, दो नाबालिग लड़कियों को कराया गया मुक्त। रायबरेली जिले में खत्म हुआ पुलिस का खौफ, आधा दर्जन दबंगों ने भूमि विवाद में युवक को जमकर पीटा, घायल युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुरादाबाद में शराब के नशे में युवक ने काटी हाथ की नस, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। तेलंगाना में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन मुहैया कराने का झांसा देकर लखनऊ की युवती से ठगी, पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आंशिक कोरोना कर्फ्यू में भी यूपी के मनरेगा श्रमिकों को मिला काम, एक महीने में 6 गुना ज्यादा मिला रोजगार। पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही पर हटाए गए अयोध्या, आजमगढ़ और मेरठ के परियोजना अधिकारी। यूपी में पराली जलाने से रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार, लेखपाल से लेकर थाना प्रभारी और डीएम तक होंगे जिम्मेदार। कोरोना से अनाथ और निराश्रित हुए बच्चों की संख्या 3200 से हुई ऊपर, सीएम बाल सेवा योजना का मिलेगा लाभ। बलिया के डॉक्टर ने बनाई कन्वर्टेबल सिरिंज असेंबली, इस सिरिंज से 10 से 12 रुपए का कम होगा बाहर खर्च। बलिया जिले में 12 ब्लॉकों में मिले कालाजार के 8 नए रोगी, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। वाराणसी में पीएनबी के बैंक प्रबंधक धन दुगना कराने के झांसे में फंसने के मामले में पुलिस द्वारा की गई 9 लोगों की गिरफ्तारी। बीएचयू में गत फरवरी माह में बिरला सी छात्रावास में हुई फायरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए 2 छात्रों को किया गया निलंबित, छात्रों का परिसर प्रवेश पर भी किया गया प्रतिबंध। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद के चलते धारदार हथियार से किया हमला, एक की हालत
नाजुक, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। चंदौली और वाराणसी जिले के लिए 104 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। काशी विश्वनाथ धाम में लगेंगे 9 करोड़ के फर्नीचर, प्रशासन ने जूम पर बैठक कर किया आकलन। अर्बन मिशन के तहत वाराणसी को 4 पीएचसी की सौगात, केंद्र के अनुमोदित के बाद मिलेगा बजट। सोनभद्र में ओवरलोडिंग का चल रहा खुला खेल, ओवरलोड ट्रक पास कराने को लेकर 200 से 400 रुपए की डिमांड। बीएचयू में कोरोना के लक्षणों पर आयुर्वेदिक औषधि का ट्रायल, काल में पौधे से तैयार की गई है ये औषधि जिसकी रकम महज 19 रुपए। मऊ के एफसीआई के मुख्तार अंसारी लेता रहा 1.80 करोड़ का किराया, गोदाम के कुछ हिस्सों को किया गया सीज। आजमगढ़ में दुष्कर्म का वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार, शादी का दबाव बनाने के लिए किया गया था ये वायरल। वाराणसी में बैंक प्रबंधक हत्या, लूट कांड मामले में छोटे भाई ने दिया बयान, नहीं थी किसी से कोई रंजिश, लूट के लिए की गई है हत्या। नागरी प्रचारणी सभा काशी में बहाल होगा लोकतंत्र, प्रशासन ने प्रबंध समिति चुनाव का सोसाइटी एवं चिट फंड सहायक निबंधक को दिया आदेश। गाजीपुर में अब अंगूठा लगाकर गेहूं बेचने के किसान, अब आधार से नहीं होगा काम। वाराणसी में नगर निगम की जोनवार बनी टीम, सूची में 292 जर्जर भवनों को 3 दिन बाद गिराने की कवायद। मिर्जापुर में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में हुई मारपीट, महिला समेत 2 लोग हुए घायल। गोरखपुर में जीडीए तैयार कर रहा भविष्य का टाउनशिप, 2 माह में लॉन्च हो सकती है योजना। गोरखपुर में पशु तस्करों का इंजीनियर के घर हमला, सीसीटीवी कैमरे में हुई पूरी घटना कैद। योगी आदित्यनाथ ने 2 अस्पतालों को लिया गोद, अस्पतालों में संसाधन बढ़ाने की तैयारियां शुरू। भारतीय कामगारों को कोरोना का टीका नहीं लगा रहा नेपाल, कामगारों का पलायन शुरू। नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम करेंगे 2 विश्वविद्यालय, राजभवन में बनाई गई कार्य योजना। गोरखपुर में चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधकर रात भर बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने वीडियो के आधार पर दर्ज किया मुकदमा। हड़हवा फाटक से बोलिया कॉलोनी की ओर नहीं जा पाएंगे चारपहिया वाहन, रेलवे ने बंद किया रास्ता। गोरखपुर में करंट से बिजली मिस्त्री की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम। प्रयागराज में शातिर तरीके से हो रही वाहनों की चोरी, फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलेंगे राज।
पीसीएम कंटेनर में गांजे तस्करी को बनाया था तहखाना। एसटीएफ व एनसीबी लखनऊ ने हाईवे पर गांजे संग दो लोगों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में गारंटी पीरियड में भी मशीनों की मेंटेनेंस पर करोड़ों का खर्च। सदन की बैठक में पार्षदों ने उठाया मसला। बच्चों की जिंदगी सवारने में जुटी प्रयागराज पुलिस। कोरोना काल में माता पिता को गंवाने वालों की तलाश। कोविड-19 संक्रमण काल में भी निजी स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूलने के विरोध में प्रतिनिधित्व मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। स्कूल संचालकों के खिलाफ जताया विरोध। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 17 लाख की ठगी करने वालों का नहीं मिला सुराग। प्रयागराज पुलिस ने दिखाई शिथिलता। एसआरएन अस्पताल में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में प्रयागराज पुलिस ने सीएमओ को भेजी रिपोर्ट। अलीगढ़ शराब कांड के बाद लोगों द्वारा शराबबंदी को लेकर की गई भूख हड़ताल। भूख हड़ताल में बैठे युवक को मिल रहा अपार जन समर्थन। राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी से शराब माफिया बना सुधाकर सिंह। प्रतापगढ़ पुलिस को है तलाश। इनामी की राशि बढ़ाकर होगी 1 लाख। आगरा में विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों में जनाक्रोश। कंबोलिया की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रीय लोग। प्रतापगढ़ में सेवानिवृत्त एएनएम समेत 3 घरों से नकदी समेत लाखों का भूषण चोरी। मेरठ में गर्भवती की मौत पर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़। मौके पर ससुरालियों संग मिलकर हत्या का आरोप। मथुरा में सर्राफ से लूटपाट करने वाले 10,000 का इनामी हुआ गिरफ्तार। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।